आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के क्वेश्चन मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटलेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर। क्वेश्चन है, एक पैराग्राफ दिया गया है, तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला वो है एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, ये फार्मूला होता है। और ई वी नॉट जो होता है, ई वी नॉट मतलब पोटेंशियल एनर्जी या स्टॉपिंग पोटेंशियल म्यू नॉट, और उसका एनर्जी क्या हो जाएगा ई वी नॉट, चार से मल्टीप्लाई जाते हैं, वो होता है एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। तो इन द गिवन इफेक्ट स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन स्लोपिंग पोटेंशियल वी नॉट एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट म्यू गिव्स, तो हमें ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का कुछ दिया गया है। तो अब हमें पहला क्वेश्चन है, इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल म्यू नॉट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट म्यू गिव्स। तो हमें यहाँ पे इक्वेशन दी गई है ई वी नॉट इक्वल टू एच म्यू माइनस म्यू नॉट, ये दिया गया है। तो यहाँ से वी नॉट का जो हो जाएगा वो हो जाएगा एच बाई ई म्यू माइनस एच बाई ई म्यू नॉट। तो यहाँ से देख सकते हैं जो ग्राफ है इसका वो स्ट्रेट लाइन होगी, और जो स्लोप है स्लोप क्या हो जाएगा, ये एच बाई ई मेरा स्लोप हो जाएगा, ये स्लोप हो गया। तो स्लोप क्या है, रेशियो ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट टू द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, डी ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो क्वेश्चन टू है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज प्लॉटेड फॉर टू फोटोइलेक्ट्रिक सर्फेस ए एंड बी, द ग्राफ शोज दैट द वर्क फंक्शन ऑफ ए इज। यहाँ से जो म्यू नॉट जो वी पोटेंशियल वी नॉट था वो था एच अपॉन ई म्यू माइनस एच अपॉन ई म्यू नॉट। तो यहाँ से जो देख सकते हैं ए का क्या है स्लोप क्या होगा, स्लोप ए और बी का जो ये एच बाई ई म्यू नॉट है, एच म्यू नॉट क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल है, एच म्यू नॉट क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल है किसी का। तो इसमें बोला गया है कि वर्क एच म्यू नॉट ये वर्क फंक्शन है, तो बोला गया है द ग्राफ शो दैट द वर्क फंक्शन ऑफ ए इज, तो क्या हो जाएगा स्मॉलर देन डेट ऑफ बी, जो ए का जो है वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा स्मॉलर हो जाएगा बी के मुकाबले, क्योंकि ज़्यादा म्यू पे म्यू ज़्यादा लग रहा है एनर्जी हमको अति पोटेंशियल बढ़ाने के लिए, तो म्यू ज़्यादा लग रहा है इसका मतलब क्या होगा वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा बी का, तो बी मेरा इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन स्मॉलर देन डेट ऑफ बी। जो 44 नंबर क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राफ बिटवीन द फ्रीक्वेंसी म्यू ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल म्यू। तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल और दिया गया, तो वो जो ऊपर से ग्राफ जो बना था इस इक्वेशन के तहत, इस इक्वेशन क्या है स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन का कर्व कौन सा है, और इंक्रीज करना चाहिए माइनस तो साथ में इंक्रीज करना चाहिए, तो मेरा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन वन के तहत इसमें ऑप्शन भी दिया गया, इस फिगर के तहत भी देख सकते हैं, तो इक्वेशन के तहत मेरा जो ऑप्शन आ जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। अब जो बोला गया है क्वेश्चन 45 में, द फॉलोइंग फिगर इंडिकेट्स द एनर्जी लेवल ऑफ ए सर्टेन एटम व्हेन सिस्टम मूव्स फ्रॉम टू ई लेवल टू ई लेवल, ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इमिटेड, द वेवलेंथ ऑफ फोटोन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम लेवल 4e/3 टू लेवल ई इज। तो जो डेल्टा ई क्या है, डेल्टा ई जब 2e से ई में जा रहा है तो क्या हो जा रहा है 2e माइनस ई इक्वल टू कितना हो गया ई, और जो लैम्डा होता है वो लैम्डा क्या होता है एच सी अपॉन जो लैम्डा होता है वो क्या होता है लैम्डा जो होता है एच सी अपॉन ई इनर्जी, तो एच सी अपॉन डेल्टा ई ये मेरा लैम्डा का फार्मूला होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा जो एच सी अपॉन ई हो जाएगा, तो ये लैम्डा दिया गया है। अब हमें फाइंड करना है द वेवलेंथ ऑफ फोटोन जब ट्रांजिशन होगा 4e/3 टू ई लेवल में, तो लैम्डा डैश मान लेते हैं इसके लिए, तो एच सी अपॉन डेल्टा ई, तो एच सी अपॉन डेल्टा ई कितना हो जाएगा 4e/3 माइनस ई, तो कितना हो जाएगा 3hc अपॉन ई, ये हो गया। तो लैम्डा डैश क्या हो गया, लैम्डा डैश हो गया 3 times एच सी ओपन ई का जो वैल्यू है वो लैम्डा है, तो क्या हो गया 3 lambda। तो जो मेरा ऑप्शन हो जाएगा 45 के तहत मेरा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ 46 में देख बोला गया है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है एच म्यू माइनस
स्टॉपिंग पोटेंशियल या वर्क फंक्शन का वैल्यू, तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करता काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड डिपेंड अपॉन अपॉन इंटेंसिटी, INTENSI, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो डिपेंड नहीं करता है तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुआ तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, यस कांस्टेंट हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 46 का सी ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।